हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आइए मोरल एजुकेशन स्टैंडर्ड 5 का पढ़ते हैं लेसन नंबर 2 सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम कहते हैं आत्मसम्मान, अपनी क्षमता, अपने लिए इज्जत, अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करना, कभी भी हौसला नहीं हारना, कभी भी हिम्मत नहीं हारना और अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपने लिए कामयाबी हासिल करना, अपने लिए आत्मसम्मान हासिल करना। तो ये कहानी हेलेन केलर की है जो एक अमेरिकन लड़की है। तो आइए देखते हैं उसके साथ क्या होता है और वो क्या करके और अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत पाती है। तो देखते हैं कहानी में क्या है। हेलेन केलर वाज एन अमेरिकन गर्ल। हेलेन केलर एक अमेरिकन लड़की थी। व्हेन शी वाज अबाउट 2 इयर्स ओल्ड शी कॉट ए टेरिबल फीवर। जब वो 2 साल की थी तो उसको बहुत ही खतरनाक बुखार लग गई, बहुत ही खतरनाक बुखार हुआ। द फीवर वुड हैव किल्ड हर बट हेलेन फॉट थ्रू इट। उस बुखार से वो मर गई होती लेकिन हेलेन उससे लड़ी और बच गई। व्हेन द फीवर वॉज गॉन शी कुड नीदर सी नॉर हियर। जब बुखार ठीक हो गया तो वो न देख सकती थी और न सुन सकती थी। हर पेरेंट्स वेर डिवास्टेटेड बट दे वेर होपफुल दैट हेलेन वुड बी वेल अगेन। उसके माता पिता बहुत परेशान हुए, बहुत चिंता किए और बहुत ही सदमा पहुंचा उनको, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद थी कि हेलेन एक फिर से दोबारा से ठीक हो जाएगी। सिंस शी कुड नीदर सी नॉर हियर हेलेन यूज हर सेंस ऑफ स्मेल एंड टच टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड हर। तो जैसा कि ना वो देख सकती थी ना सुन सकती थी तो उसके आसपास क्या हो रही थी उसको जानने के लिए उसने अपना छूने वाला सेंस और सूंघने वाले सेंस से समझना शुरू किया। शी फॉलोड हर मदर होल्डिंग ऑन हर स्कर्ट। फिर वो अपनी माँ के पीछे पीछे उसके स्कर्ट पहन के पकड़ के और जाती थी जिधर जाना होता था। सून शी लर्न टू रिकोगनाइज पीपुल इधर by touching them or smelling them। लेकिन बहुत जल्द वो लोगों को उनकी सूंघने की, अपने सूंघने की शक्ति से उनको सूंघ कर या उनको छू कर पहचानने लगी। When Helen was of the age of a school going child, she expressed her frustration through outburst. Her parents decided to hire a tutor who could help her। तो जब उसके स्कूल जाने का समय था या उम्र थी जबकि उसको स्कूल जाना चाहिए था, तो उस वक्त वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी खीज, अपनी हताशा एक्सप्रेस करने लगी, दिखाने लगी, आउटबर्स्ट होकर चिल्ला कर इधर उधर हल्ला गुल्ला करके अपना खीज निकालने लगी। लेकिन उनके पेरेंट्स ने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना एक ट्यूटर रख के, ट्यूशन टीचर रखकर और उसको घर पर ही पढ़ाया जाए। द ट्यूटर दे हायर्ड वाज एन सुलिविंग। जो टीचर उन्होंने हायर किया, रखा उसको पढ़ाने के लिए, उसका नाम था एनी सुलिवन। सुलिवन हरसेल्फ हैड बीन नियर बाई ब्लाइंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड बट सर्जरी ट्वाइस पार्शियली रिकवर्ड हर साइट। शी रिमेन्ड विथ हेलेन केलर अंटिल हर डेथ। ये जो टीचर रखे, सुलिविन भी करीब करीब अंधी हो गई थी बचपन में ही एक, लेकिन उसको 2 बार सर्जरी हुआ और फिर हल्की फुल्की दिखाई देने लगी। तो वो अब हेलेन केलर के साथ बिल्कुल उसके मरने के समय तक हेलेन केलर के साथ रही। एन सुलिवन वाज एबल टू मेक कॉन्टेक्ट विद द गर्ल्स माइंड थ्रू द सेंस ऑफ टच। तो ये इस लायक थी कि उस लड़की के छूने से उसके दिमाग तक उसको समझ सके, उसको जान सके और वो क्या कहना चाहती है उसको कर सके या समझ सके। शी यूज ए मैनुअल अल्फाबेट बाई विच शी स्पेल्ड आउट वर्ड्स ऑन हेलेन्स हैंड। फिर उसने एक मैनुअल अल्फाबेट बनाया कुछ उगे उगे से, जिसको छू के और हेलेन कोई भी वर्ड पढ़ सकती थी, समझ सकती थी। वंस मिस सुलिविन पुट हेलेन्स हैंड इन कोल्ड वाटर। एक बार सुलिविन ने, उसके टीचर ने उसका हाथ ठंडे पानी में डाला। शी देन रोट द वर्ड वाटर ऑन हेलेन्स पाम विथ हर फिंगर। फिर उसने उसके हाथ पर अपने हाथ से, उंगलियों से वाटर लिखा, उसका हाथ पानी में डाला और उसके हाथ पर उंगलियों से वाटर लिखा।
Helen understood that Miss Sullivan was trying to teach her the name for this cold wet thing. तो वो समझ गई कि मिसेस सुलेमन जो है वो बता रही है या उसको सिखाना चाह रही है कि इसका नाम क्या है, ये जो ठंडा चीज उसके हाथ में छूने से मालूम चल रहा है उसको क्या कहते हैं, ये मिस सुलेमन उसको सिखा रही है। ग्रेजुअली द चाइल्ड वॉज एबल टू कनेक्ट वर्ड्स विद ऑब्जेक्ट्स, तो धीरे धीरे वो चीजों को शब्द से जोड़ने लगी, समझने लगी कि कौन सा चीज या कोई चीज अगर उसके हाथ में छू रहे हैं तो वो क्या चीज है उसका वर्ड वो समझने लगी। विद इन थ्री इयर्स, तीन साल के अंदर ही शी न्यू द अल्फाबेट एंड कुड रीड एंड राइट इन ब्रेल, और तीन साल में वो सारे अल्फाबेट समझने लगी और ब्रेल भाषा में वो लिखने भी लगी और पढ़ने भी लगी। अंटिल हेलेन केलर वॉज 10 years old, जब 10 साल की हुई, शी कुड टॉक ओनली विद द साइन लैंग्वेज ऑफ द डिफ म्यूट, तो वो सिर्फ साइन लैंग्वेज से इशारों की भाषा में बात करती थी, जैसे कि अंधे बहरे और गूंगे लोग बात करते हैं। शी डिसाइडेड दैट शी वुड लर्न टू स्पीक एंड टूक लेसन्स फ्रॉम ए टीचर ऑफ द डिफ, फिर उसने फैसला किया कि वो बात करना सीखेगी और जो बाहरी लोगों को पढ़ाते हैं वैसे शिक्षक का मदद लेगी, उनसे सीखेगी कि कैसे बोला जाता है। बाय द टाइम शी वॉज 16 शी कुड कम्युनिकेट वेल इनफ टू गो टू ए प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल एंड ए कॉलेज, शी ग्रेजुएटेड इन 1904 विथ ऑनर्स, और इस तरह वो 16 साल की होते होते बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह बात करने लगी और इतना अच्छा से बात करने लगी को स्कूल जाने लायक हो गई और 1904 में वो ग्रेजुएट भी हो गई कॉलेज से। एनी सुलेमन स्टेड विथ हर थ्रू दीज इयर्स, एनी सुलेमन इन सब सालों में उसके साथ ही रही, ये जो भी समय बीता उसके साथ ही रही, इंटरप्रेटिंग लेक्चर्स एंड क्लास डिस्कशन फॉर हर, और उसके लिए क्लास में जो भी डिस्कस होता था या जो भी लेक्चर होते थे जो भी पढ़ाई होती थी उसको वो इंटरप्रेट करके उसको समझाती थी बताती थी, क्योंकि वो उसका उसकी उनका समझाया हुआ वो लड़की अच्छे से समझ सकती थी। बाय द टाइम हेलेन वॉज 18 शी कुड स्पीक 5 languages, और 18 साल की होते होते वो करीब करीब 5 भाषाएं बोलने लगी, 5 भाषाओं का ज्ञान हो गया। लेटर शी स्टडीड इन कॉलेज एंड रोट मेनी बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, फिर वो कॉलेज में भी पढ़ने लगी और बाद में उसने एक कई कहानियां लिखी, कई किताबें लिखी, उसमें से एक बहुत ही मशहूर किताब है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किताब बहुत ही मशहूर हुआ उसका। आफ्टर कॉलेज हेलेन केलर बिकेम कंसर्न विद द कंडीशन ऑफ द ब्लाइंड एंड द डिफ ब्लाइंड, उसके बाद से उसको चिंता हुई जो लोग अंधे हैं या जो लोग अंधे और बहरे हैं। शी बिकेम एक्टिव ऑन द स्टाफ ऑफ द अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, फिर वो अमेरिकन फाउंडेशन के जो ब्लाइंड के लिए काम करते थे उन स्टाफ के साथ काम करने लगी, उनके साथ एक्टिव हो गई। शी टोल्ड गेव लेक्चर्स एंड रोट मेनी बुक्स एंड आर्टिकल, फिर वो जगह जगह जाने लगी और कई तरह के लेक्चर देती थी और फिर कई बुक किताबें भी लिखी। शी स्टार्टेड द हेलेन केलर इंडोमेंट फंड एंड आस्क फॉर फंड्स फ्रॉम वेल्दी पीपल, उसके बाद से उसने एक दान का फंड शुरू किया कि लोग उसमें दान दे, और जो अमीर लोग थे वो लोग उसमें दान देते थे और वो दान का पैसा जो था वो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करने लगी जो अंधे और बहरे थे। इन लेटर इयर्स, बाद के सालों में हेलेन केलर बिकेम एक्टिव इन बेटरिंग कंडीशन फॉर द ब्लाइंड इन डेवलपिंग द वॉर रेवेज्ड कंट्रीज, तो बाद के सालों में हेलेन केलर बहुत एक्टिव हो गई दूसरे देशों में काम करने के लिए, दूसरे देशों में अंधे लोगों के लिए काम करने के लिए, जहां पे जो लड़ाई में व्यस्त कंट्री थे, जिनको लड़ाई में बर्बाद हुए कंट्रीज थे, उन लोगों के लिए वहां पे जो अंधे बच्चे थे अंधे लोग थे उनके लिए वहां वो काम करने लगी।
तो जो लड़ाई में बर्बाद हुए देश थे उन लोग वहां जो अंधे होते थे या जो लोग अंधे थे उनके लिए वो बहुत सारा काम करने लगी, उनकी वेलफेयर के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। एज एन एंथुसिएस्टिक एंड अनटायरिंग ट्रेवलर्स शी लेक्चर्ड इन मोर देन 25 कंट्रीज ऑफ द 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स। तो उत्साह से भरे हुए और बिना थकने वाले मुसाफिर के तरह, ट्रेवलर के तरह, वो करीब 25 देशों में, अलग अलग 25 देशों में और 5 महादेशों में उसने लेक्चर दिया। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू हेलेन केलर अपीयर टू बी द हेल्पर ऑफ द विक्टिम ऑफ वॉर। और जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो उसमें जो लोग भी उसमें विक्टिम थे, घायल थे, या जिनको जो लोग भी उस पे उस वार का असर जिन लोगों पे हुआ था, उस उन लोगों की बहुत मदद की। शी ब्रॉट करेज टू द विक्टिम्स एंड इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ ब्लाइंड पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस तरह वो लाखों लोग जो पीड़ित थे, अंधेपन से पीड़ित थे, जिनको दिखाई नहीं देता था, उनको वो प्रेरित करने में लग गई या प्रेरित करते रहे। उसके वजह से लाखों लोग प्रेरित हुए, उसने लाखों लोगों को प्रेरित किया अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, अपना नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, कि अगर अंधे हैं तो क्या हुआ, आप भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हम अगर अपने कमियों पे काबू करना चाहें और हिम्मत से काम लें, मेहनत से काम लें, तो कोई भी कमी किसी मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकती है। हम दुनिया की हर कामयाबी पा सकते हैं, हमें अपने हौसले और हिम्मत से हमेशा काम लेना चाहिए। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।